विधायक ललन पासवान ने विवादित बयान दिया है। ललन पासवान का कहना है कि जब तक मानते हैं तभी तक आस्था रहती है, जब तर्क शक्ति आती है तो इंसान की सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक हो जाती है। ललन पासवान ने इसके आगे जो कहा उसको लेकर बवाल मचा है। बकौल ललन पासवान, मुस्लिम को लक्ष्मी को नहीं मानते हैं, फिर कैसे वो करोड़पति अरबपति हैं? अमेरिका में हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, मंदिर भी नहीं है, फिर भी यह देश विश्व शक्ति कैसे है? मुस्लिम माँ सरस्वती को भी नहीं मानते हैं, फिर भी विद्वान होते हैं, IAS IPS बनते हैं। ललन पासवान बिहार के भागलपुर से विधायक हैं। उनके बयान को पार्टी लाइन से अलग मानकर देखा जा रहा है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही ललन पासवान ने सफाई पेश की है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी ललन पासवान से स्पष्टीकरण मांग सकती है या अपने बयान को वापस लेने के लिए कह सकती है। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले बता रहे हैं कि ललन पासवान पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, अभी उनकी कई बातों को हिंदू मान्यता विरोधी माना जा रहा है। पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप भी ऐसे बयानों के खिलाफ है, विपक्षी दल भी भाजपा पर हमलावर हो सकते हैं। जब से जदयू ने भाजपा से नाता तोड़ा है, पूरा विपक्ष एक तरफ है और भाजपा दूसरी तरफ। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी भाजपा पर कोई हमला करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में ललन पासवान पर बिहार में सियासी बवाल आ सकता है। ललन पासवान का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब देश दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है। दिवाली से ठीक पहले भाजपा नेता का ऐसा बयान हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ठीक है। लोग जब तक मान रहे हैं ना, ये आत्मा परमात्मा जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने जो तर्क अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह संजीव भाई की तरह हमारी तरह वही बन देंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है, अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS IPS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा, क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है बजरंग बली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता है, तो क्या जो मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंग बली की पूजा, अमेरिका में नहीं है बजरंग बली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है, आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी।